तुझे देखा तो ये जाना सा, प्यार होता है दीवाना सा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दोस्त। मैं आया हूँ अपने खेत में दवाई छिड़कने के लिए। और देखिए, मैं दवाई तो एक खेत दो खेत में छिट दिया हूँ। एक था खेसारी का खेत, उसमें हम दवाई छिट दिए हैं। वो एक खेत और बचा है, मैं उसमें जाता हूँ। थोड़ा देखते हैं पानी का कहाँ संसाधन है, वही हम पानी ढूंढेंगे और उसके बाद उसमें दवाई घोर कर मैं अपने खेत में छिड़काव करेंगे। छिड़काव करने का ही वजह था कि मेरे खेत में जो था ना, मतलब कीड़ा लग गया मेरे फसल में, इसलिए हम मतलब दवाई छिड़काव कर रहे हैं। और चलिए हम अपने खेत में चलकर दिखाते हैं कि कौन कौन सा दवाई दे रहे हैं इस कीड़ा के लिए, मरने के लिए। मैं आपको बताता हूँ। मैं फ़िलहाल भी पानी का तलाश में हूँ। पानी तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। एक वहाँ पे मतलब तलाई है, मैं तलाई के पास जाता हूँ और पानी देखता हूँ कि मिलता है पानी, तो मैं वहीं से पानी अपने इस टैंक में भरूँगा और उसके बाद दवाई छिड़काव उसमें हम करेंगे। तो मुझे एक्चुअली पानी मिल ही गया है। यहाँ पे एक छोटा सा नहर था, देख सकते हैं कि मेरे गांव से ही पानी बहकर आता है, मतलब टंकी जो नल जल योजना वाला, उसी पानी यहाँ पे आता है। और देखिए कि एक मतलब केराव का खेत है, इसमें पानी भरा हुआ है, हम इसी से पानी निकालेंगे। और ये अपने देख सकते हैं कि टैंक जो है, मैं इसमें पानी और दवाई इसमें दोनों दूंगा, मिक्स करूंगा, उसके बाद अपने खेत की ओर चलते हैं और देते हैं दवाई कौन कौन देते हैं, हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो गाइस, मेरे पास ये दो दवाई है, देख सकते हैं। एक है इफ़को अरने और फुलाने का जो दवाई है, यही दवाई है, मतलब इफ़को नाम है एक, और एक कीटनाशक वाला है जिससे कि कीड़ा उड़ा मरता है, वही दवाई। एक है, दो दवाई है मेरे पास। दोनों दवाई हम इस टैंक में भरूंगा, उसके बाद पानी यहाँ पे है और अपने मसूर के खेत में चलते हैं। तो गाइस, मैं पानी इस टैंक में भर लिया हूँ और इसमें दवाई देना है। कितना ml देना है इसमें? मेरा 5 कट्ठा खेत है तो मैं इसमें चलिए 40 ml दवाई इसमें, जो कि इफ़को हम डाल देते हैं। चलो, हम 40 ml इसमें डालेंगे और ये जो दवाई है, कीटनाशक है जो, इसे भी 40 ml इसमें डालेंगे। और एक 240 दवाई है, ये मतलब इसको मतलब पैकेट है यही 240 का, और इसको हम भी इसमें तीनों दवाई है जो कि मिक्स करके डालते हैं अपने टैंक में। उसके बाद चलते हैं अपने खेत में लेकर के, मतलब कैसे हम दवाई छिड़ते हैं वो आपको बताते हैं। फास्ट चलना पड़ता है कि हद से ज़्यादा, मतलब मोटर सिस्टम है, नहीं वो फास्ट चलेंगे तो मेरा दवाई एक जगह इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मुझे फास्ट चलना पड़ता है। देख सकते हैं फास्ट चल रहा हूँ। खेत में दवाई जो कि मैं छिड़काव कर दी है, दूसरे खेत में देने के लिए एक खेत और बचा है मेरे पास, जो 8 कट्ठा, जो मेरी तरफ कट्ठा बोलते हैं, 4 दूर का 1 कट्ठा बोलते हैं इधर, और मैं उसी खेत में चल रहा हूँ। 8 कट्ठा खेत है मेरा और उसमें पता नहीं खेसारी है या मसूर है, उस खेत में आपको मिलेंगे। दोस्त, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटे को दबा दें, क्योंकि मैं इस तरह का ब्लॉग वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। तो इतना तो भाई कर ही सकते हो, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर, थोड़े मारो घंटे बजा दो कस कर ताकि मज़ा आ जाए। तो गाइस, मेरा ये दवाई का जो मतलब खेत में डालना था वो हम आज ख़त्म कर चुके हैं और चलते हैं अपने घर की ओर। और दोस्त, अच्छा ही वीडियो, अच्छा आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा सब्सक्राइबर जो उतना भी हाई लेवल तक नहीं गया है, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट चाहिए मुझे, इसलिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्त और बेल आइकन घंटे को दबा देना, ताकि मैं इस तरह का ब्लॉग वीडियो हमेशा लाते रहता हूँ। दोस्त, मैं दवाई देते देते एक मैंने गाना मतलब सुना और वो मतलब गाड़ी पे, मतलब जो होता है ना टेकर या जीप, उस पर बजते हुआ जा रहा था। वो गाना मुझे काफ़ी पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि आपके सामने मैं थोड़ा सा गाना सुना कर बताऊँ। चलो, मैं गाना शुरू करता हूँ। एक्चुअली गाना है शाहरुख खान का गाना है और मैं वही गाना मैं आपको अपने ब्लॉग में पेश कर रहा हूँ। तुझे देखा तो ये जाना सा, प्यार होता है दीवाना सा, अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। ये गाना मुझे काफ़ी अच्छा लगा और सुनने में, और एक्चुअली मुझे इतना ही तक आता है गाना, मैं सोचा कि अपने गाने को थोड़ा अपने ब्लॉग में भी शूट कर लूँ गाना, क्योंकि अच्छा मुझे लग रहा था, टेकर पे बजते हुए जा रहा था तो मैं सुना, तो मैं इसलिए गाना गा चुका हूँ। एक्चुअली ये गाना है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इस मूवी का गाना है। काफ़ी मतलब मूवी हम 3-4 बार देख चुके हैं, काफ़ी मस्त मूवी है और आप लोग
दोस्त मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। जब तक जय हिंद, जय भारत, जय किसान।